हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3। बेटा, इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी नंबर कब 2 से डिविजिबल होता है, कब 2 से विभाज्य होता है। तो बेटा, उसके लिए आपको क्या करना होता है, यूनिट डिजिट देखना होती है, इकाई का अंक देखना होता है। यदि यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख लेती हूँ मैं, 5 2 6 8 0 6, ये लिख लिया। अब बेटा, इतना बड़ा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करोगे। सिर्फ बेटा आप इसका यूनिट डिजिट देख लो, इकाई का अंक देख लो, क्या है बेटा, 6 है। यदि 6 मिला तो 2 से डिविजिबल होगा, यह नंबर 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ये ले लिया। क्या यह 2 से डिविजिबल होगा, कैसे पता करोगे। इसका बेटा यूनिट डिजिट देखिए, क्या है, 4 है। यदि 4 है तो वह 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। अब बेटा 3 से डिविजिबल की बात करते हैं। यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो कैसे चेक करोगे। वो जो नंबर होगा बेटा, उसकी सभी डिजिट को जोड़ दो, जितने भी अंक उसमें हैं सबको जोड़ दो। वह जो नंबर आएगा बेटा, वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणज होगा। मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता देती हूँ। 3 1 2 लिखा, मैं आपसे कहूंगी ये 3 से डिविजिबल है। कैसे, मैंने आपसे कहा इन सभी नंबर को जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं। 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 6। ये जो 6 है बेटा, 3 का मल्टीपल है 3 से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा ना। करके देख लो कितनी बार गया, 2 बार, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। और 3 का मल्टीपल है इसका मतलब ये जो नंबर है बेटा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 1 2 5। अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। सभी अंकों को जोड़ दो, सारी डिजिट जोड़ दो, क्या है बेटा, 7 1 और 2 और 5 को जोड़ते हैं, ये 8 और ये 2 मिलके 10 और ये 5 15। अब बेटा ये जो सम आया बच्चों, ये 3 का मल्टीपल है ना, आप 3 के टेबल से कैंसिल करके देख लो, 5 बार गया। 3 का मल्टीपल है इसका मतलब ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। अब बच्चों हम तीसरी बात जानेंगे कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा। बेटा यदि कोई नंबर आप देखो 2 से डिविजिबल है और बेटा 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से बेटा डिविजिबल है, तो हम कहेंगे वह नंबर 6 से भी डिविजिबल है। एक बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 2 3 8 लिया। सबसे पहले हमें चेक करना है यह क्या 6 से डिविजिबल है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पता करो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा इसकी यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक देखो, 8 है। यदि 8 मिले तो 2 से डिविजिबल है, ये पता चल गया। अब बेटा 3 से डिविजिबल भी चेक करो, कैसे करोगे, सभी डिजिट को बेटा जोड़ दो, जोड़ो कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 15।
और ये जो सम आया बेटा 3 का मल्टीपल है या नहीं पता करो, 3 का गुणज है या नहीं पता करो, सिंपल बात 3 से डिवाइड करके देख लो। कंप्लीट डिवाइड हुआ इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नंबर बेटा 3 से भी डिविजिबल है। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब बच्चों हम ये जानेंगे कोई भी नंबर कब 5 से डिविजिबल होगा, कब 5 से विभाजित होगा। बेटा सबसे पहले आप देखोगे उसकी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक देखोगे, क्या हो बेटा 0 हो या 5 हो, तो बेटा वह 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ ये नंबर लिखा है और सकती हूँ ये 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक बेटा मैंने देखा 5 है, तो बेटा आप जानते हो यदि 5 मिला यूनिट डिजिट तो वह नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने। अब बेटा इसकी यूनिट डिजिट 0 है, 0 अगर आपको यूनिट डिजिट मिले, इकाई का अंक मिले, तब भी वह संख्या बेटा 5 से डिविजिबल होती है। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना सा कि यदि यूनिट डिजिट 0 या 5 मिली तो वह नंबर 5 से डिविजिबल है, बस इतना सा याद रखो। आगे चलो, कोई नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, 10 से कब विभाजित होगा, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। यदि 0 मिला तो बेटा वह 10 से डिविजिबल होगी, 10 से विभाजित होगी। चलिए देखिए कैसे, 5 6 7 8 9 0 इतना बड़ा नंबर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ ये 10 से डिविजिबल है। क्यों? मैंने देखा बेटा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, और 0 है इसका मतलब 10 से डिविजिबल है। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि कौन सी संख्या या नंबर बेटा 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है। तो बेटा 2 अंक वाले जितने नंबर हैं उन्हें तो हम, जैसे मैं लिख दूं 25, इसे मुझे पता करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे बेटा हम इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे और पता कर लेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्या, 3 और 3 से अधिक डिजिट वाले नंबर चेक कैसे किए जाते हैं, आज वो सीखेंगे। जैसे 216, ठीक है, तो आप देखो इसके पीछे के दो नंबर क्या है बेटा, 16। यदि पीछे के दो नंबर 4 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। बेटा 16 4 से डिविजिबल है तो बेटा 216 भी 4 से डिविजिबल होगा। कोई एक और नंबर लेते हैं, 3 1 2 6 9, ये ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, पीछे के दो नंबर देखो 69, इसे 4 से आप डिवाइड करके देखो, 1 बार गया 2 आया, 9 उतारा 7 बार गया, देखो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब पीछे के दो नंबर को 4 से आप डिवाइड करो, यदि वह कंप्लीट डिवाइड हुए तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, 4 से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ नहीं हुआ तो
तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। बच्चों हम ये जानेंगे कौन सा नंबर बेटा कब 8 से डिविजिबल होगा, कैसे चेक करेंगे। 3 अंकों से बनने वाली संख्या बेटा 3 डिजिट जो नंबर है, जैसे मैं 480 लिख लूं, ठीक है, इस तरह के नंबर को आप कैसे चेक करोगे। सिंपल, आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे और आप चेक कर लोगे, है ना। तो ये एक तरीका है, कब, जब आपको 3 और 2 अंकों वाली संख्या दी हो। लेकिन बेटा 4 या 4 से अधिक अंकों वाली संख्या दी हो तो क्या करेंगे। 4 और 4 से ज्यादा डिजिट वाले नंबर कैसे पता करेंगे 8 से डिविजिबल है। तो बेटा उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 752840, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो बेटा पीछे की 3 डिजिट आप चेक कर लो, 8 से डिविजिबल निकली तो बेटा ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं, 8 से बेटा डिवाइड करेंगे, 1 बार गया, डिवाइड नहीं हो रहा, उसकी 0 लग गई। अब बेटा ये 0 उतारा, कितनी बार गया बच्चों, 5 बार। तो बेटा 840 पीछे की 3 डिजिट बेटा 8 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल हुई। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी बेटा 8 से डिविजिबल होगा। अब हम बेटा ये जानेंगे कोई नंबर कब 9 से डिविजिबल होता है, कोई संख्या कब 9 से विभाजित होती है। तो कोई बेटा एग्जांपल मैंने ये ले लिया, अब मैं ये पता करना चाहती हूँ ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो बेटा इस नंबर की सारी डिजिट सबसे पहले जोड़ दो। तो जोड़ लेते हैं, 7 + 5 + 1 + 0 + 2, ये कितने हो गए, 13, और ये 2 बेटा 15, ठीक है। ये जो सम 15 आया बेटा, ये 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। बेटा आपने सम निकाला, यदि वह 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो आप क्या कहोगे, गिवन नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है। यहाँ सम 15 आया, 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, 33030, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो बेटा सारी डिजिट सबसे पहले जोड़ दो, ये जोड़ दी, कितना आया बेटा, ये हो गया 6 + 3 9, ठीक है। ये जो सम आया बेटा 9 से डिविजिबल है, ठीक है, 9 के टेबल से कंप्लीट क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है बेटा, ये कंप्लीट 9 से डिविजिबल होगा, 9 से विभाजित होगा। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि कोई संख्या या नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, 11 से कब विभाजित होगा। तो बेटा आपको देखना होता है सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस, ऑड प्लेस की डिजिट का सम करो, इवन प्लेस की डिजिट का सम करो, और क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो। यदि 0 मिले या 11 से डिविजिबल कोई नंबर मिले तो हम कहेंगे दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है। अब हिंदी में समझते हैं, विषम स्थानों पे जो अंक लिखे हैं उनका योग करो, सम स्थानों पे जो अंक लिखे हैं उनका योग करो, और क्या करना है, घटाना है। यदि आपको 0 मिले या बेटा 11 से विभाजित होने वाला कोई नंबर मिले तो हम कहेंगे
दी हुई जो डिजिट है 11 से विभाजित होगी। अब ये इतनी बड़ी जो बात है उसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। 1331, सबसे पहले ऑड प्लेस डिजिट पता करेंगे, नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4। ऑड प्लेस डिजिट बेटा आपकी कौन सी बनेगी, 1 और 3, उनका बेटा सम कर दिया, ठीक है, माइनस लगाया। इवन प्लेस डिजिट देखो, सम स्थानों पर अंक देखो, 3 और 1 हैं, 3 और 1 लिखा, ये हो गए बेटा 4, ये 4, कितना आया 0। यदि 0 आता है तब भी ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 11 से विभाजित होगा। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 308, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम ऑड प्लेस डिजिट देख लेते हैं, विषम स्थानों पे उपस्थित अंक देख लेते हैं। ये बेटा पहला प्लेस, ये दूसरा, ये तीसरा प्लेस। ऑड प्लेस पे जो डिजिट है बेटा उनका सम करेंगे। ऑड प्लेस पे क्या है, 3 है और 8 है, ठीक है, इनका हमने सम कर लिया, माइनस लगाया। इवन प्लेस पे जो डिजिट है बेटा उनका सम करना है, तो इवन प्लेस एक ही है, उस पे क्या है 0, तो 0 ही लिख दो, ठीक है। ये कितने हुए बेटा, ये 11 - 0 इक्वल टू क्या आया 11। या तो बेटा डिफरेंस या अंतर 0 आए तो 11 से डिविजिबल है, या फिर क्या है 11 का मल्टीपल आए तो बेटा 11 का मल्टीपल है ये, है ना। इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है 11 से डिविजिबल है।